बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार। आज हम श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा जब इस रक्त में गंगा जहान रंग इतना सहज नहीं है, ये रंग जिन्होंने भी पहना हुआ है एक गुरु किया, एक गुरु बन गया। गुरु ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। ये तो हमारी मर्जी थी कि इस घर को चलाने के लिए किसी को बड़ा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को खजांची बना दिया, किसी को लाकड़ी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। जब उनकी कृपा देखती हूँ प्रभु की सजा सजाया, हर चीज एक तैयार की हुई, हर सेवादार, हर आश्रम का और जो संगत है गुरु महाराज जी की, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के साथ लिया। मैं उस संत गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूं प्रभु, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने सजा सजाया एक बहुत प्यारा सा बाग बगीचा जिसमें तरह तरह के फूल थे। उस बाग की देख रेख करने के लिए सौंप दिया है ना कोई बात मेरे गुरु की। देखा नहीं कोई कैसा है कैसा नहीं, जब रंगने लगते हैं तो पहले वाला सारा रंग उतार के अपना रंग चढ़ा। अब भाई जब तुम रखोगे तो बात कभी समझ आएगी, मेरे कहने से समझ आनी नहीं, क्योंकि जब तक किसी चीज को खाओ नहीं ना उसका स्वाद का पता नहीं लगता कि इस रंग का स्वाद क्या है, इस रंग का कीमत क्या है। जब साधु बनाने लगे मुझे कहने लगे पापा जो मेरा पुराना नाम था वो नाम लेके कहने लगे, अगर तेरा मन है साधु बनने को तो बनो, नहीं तो जिवे नानकिया में बच्चे अपने घर गुजार आने समझ लागे तू अपने घर नानकिया के आई। मैं तो हैरान हो गई उनकी बात सुन के कि अब हमारा रह क्या गया, अब हमारा क्या रह गया दुनिया में, जिसको एक बार छोड़ दिया और सदा के लिए छोड़ दिया। छुवाने वाला हो बनाने वाला हो, जब उसकी याद आती है जब एक अंदर एक पिक्चर की बन जाती है। जब उन्होंने साधु बनाया मुझे किसी ने पूछा कि रब कितने लगाया कपड़े में, अगर मैंने पता ही नहीं आया। हम तो स्वामी जी की सेवा में थी जब इनका अंदर आज अंदर चले गए गुरु महाराज के चरणों में रंग दे दिए। मैंने कईयों ने पूछा भाई जी ने पूछा कोई है ऐसी बात आपने लगा, कहने नहीं नहीं जिसने रखना था उसी ने रखा। साचे दरबार।
सबका प्यार सबका देख के प्रसन्न होती हूँ। ये मेरी औकात नहीं है, हमेशा चतुर की प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ना दाता ना जीव से किसी चीज की खबर नहीं। जब देखा प्रभु का ये वाक्य का संसार में देख हैरान होगी, क्योंकि जब मैंने महाराज जी के चरणों में आना कभी भी नहीं थी उसकी कक्षा में। मैं सोचती थी छोटी झोपड़ी होनी है उसे महाराज जी रहने हैं, कोई छोटा मोटा कोई पहचान कोई होगी, झोपड़ियां बनिया और जलता छोटी जाते। जब मैंने पहली बार श्री महाराज जी को देखा मैं तो देख के हैरान हो, मैं कह इतना सुंदर घर, इतना सुंदर घर, कहां वो झोपड़ियां मेरे मन की, वो तो सारी खत्म होगी। क्योंकि बचपन में कई कथा सुनते थे संतों की, वो झोपड़ी में रहते हैं सेवादारों से शायद रहते रहते। जब इस घर को देखा सदा के लिए उसी के हो गए, आज भी उसी के हैं कल भी उसी के रहेंगे। और मुझे कही लगे मैं जब नहीं रहूंगी तब भी मैं उसी की रहूंगी। ये तो शरीर आने जाने के चक्कर चला रखा है भगवान ने, ये चक्कर से हम बच नहीं सके। नहीं कोई कहेगा हम बचा लेंगे, ना हम किसी को बचा सकते हैं ना हमें कोई बचा सकता है। ये जीवन है, आज खुशी का मौका है तो आज तैतालीस है इस रंग को मिले हुए, 46वां शुरू हो गया है, आगे वो जाने उसका काम जाने। हम तो यहाँ तक भी पहुंचे हैं तो उसकी दया से पहुंचे हैं, तो मैं उन सतगुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ये जो आपका ये बगीचा प्रेम से भरा हुआ है, ये बगीचा इसी तरह आपका हरा भरा रहे और प्रेम से ये बगीचा सजा रहे, इसके एक एक फूल में सतगुरु महाराज जी की खुशबू आए, ताकि जो भी भगत इस बगिया में आए तो उसका जीवन भी महक जाए। इसी के साथ समाप्ति, उसका शुक्रिया जिन्होंने हमें इस रंग में रखा, उसको बार बार धन्यवाद करती। जी महाराज की।